वहीं कोरिया जिले के बैकुंठपुर में कोरिया कांग्रेस विरोध प्रदर्शन में मशाल जुलूस निकालने जा रही थी, लेकिन प्रशासन से उन्हें अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता और पूर्व विधायक अंबिका सिंह देव सहित कई कार्यकर्ता राजीव भवन के सामने सांकेतिक धरने पर बैठे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो खाता फ्रीज किया गया है वो 1993 से 94 से आज तक का जो 1823 करोड़ का कर्ज बकाया बताया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का खाता फ्रीज किया गया है और 1993-94 से लेकर आज तक का मनमानी तरीके से कांग्रेस पार्टी के ऊपर 1823 करोड़ रुपए का कर बकाया बताया गया है, जो कि टोटल असंवैधानिक है और उसी कारण हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का खाता फ्रीज किया गया है। उसके विरोध में हम लोगों का आज ये मशाल जुलूस निकाला जाना था महात्मा गांधी पार्क से लेकर जय स्तंभ तक, परंतु हमने प्रशासन से अनुमति मत चाही थी कि हम शांतिपूर्ण अपना मशाल जुलूस निकालेंगे, परंतु शासन ने हमें अनुमति नहीं दी, जिस कारण हम लोग अभी ये मशाल जुलूस नहीं निकाल रहे हैं। हम लोग सांकेतिक धरने के रूप में यहाँ पर बैठे हैं और ये सरासर गुंडागर्दी है।